हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक मास्टर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पिक्रिक एसिड के बारे में, जो कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके सिम्टम्स और उसके यूजेस क्या हैं, इसके बारे में आपको फुल डिटेल के साथ समझाऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल जाए। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन इस चैनल से रिलेटेड मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों, मैं चैनल पर होम्योपैथिक से रिलेटेड और हेल्थ टिप्स से रिलेटेड वीडियोस डाला करता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिक्रिक एसिड मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं इस प्रकार हैं, ध्यान से सुनिएगा। दिमाग की कमजोरी को दूर करने के लिए यह एक उत्तम औषधि है। इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं रहती इस प्रकार के रोगियों में। किसी प्रकार की गंभीर चिंता या दिमागी मेहनत करने से रोगी की कमजोरी बढ़ने लगती है और बहुत सारी तकलीफ़ें भी होने लगती हैं, जैसे कि कमर और हाथ पैरों में दर्द, रीढ़ में जलन, पतले दस्त आना, तबीयत गिरी गिरी मालूम होना, मिजाज एकदम चिड़चिड़ा रहता है इस प्रकार के रोगियों का। किसी काम में मन नहीं लगता, सदैव लेटे रहने की इच्छा होती है, हमेशा लेटे रहना चाहता है। अधिक लिखने पढ़ने वाले और रोजगारी आदमियों के दिमाग को कमजोरी को दूर करने के लिए ये उत्तम औषधि है। जो विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ते हैं उनके लिए भी ये एक उत्तम औषधि है। ठंडी हवा और ठंडे पानी से नहाने से इस प्रकार के रोगियों को, पिक्रिक एसिड के जो रोगी होते हैं उनको आराम मिलता है और नम मौसम में इनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं पिक्रिक एसिड के जो रोगी होते हैं उनके सिर दर्द की कंडीशन किस प्रकार की होती है। उनकी कंडीशन इस प्रकार होती है कि परीक्षा के समय अधिक पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं और ऐसे मनुष्य जो कि दिमागी परिश्रम ज़्यादा करते हैं, उनके लिए यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पिक्रिक एसिड मेडिसिन के जो रोगी होते हैं उनकी किस कंडीशन में परेशानियाँ बढ़ती हैं। तो दोस्तों, परेशानियाँ इस कंडीशन में बढ़ती हैं कि थोड़ी सी दिमागी मेहनत करने से उनकी परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं। थोड़ी हरकत करने से या पढ़ने से, नम मौसम में रहने से उनकी परेशानियाँ बढ़ने लग जाती हैं। दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पिक्रिक एसिड मेडिसिन की जो रोगी होती हैं उनकी किस कंडीशन में परेशानियाँ घटती हैं। दोस्तों, कंडीशन इस प्रकार है कि ठंडी हवा में रहने से और ठंडे पानी से नहाने से उनकी जो परेशानियाँ घटती हैं। एंड दोस्तों, खुली हवा में घूमने से और आराम करने से उनकी परेशानियाँ घटती हैं। तो दोस्तों, ये थी पिक्रिक एसिड मेडिसिन की कुछ सिम्टम्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुख्य लक्षण है। इन मुख्य लक्षणों के आधार पर अगर आप पिक्रिक एसिड मेडिसिन का चुनाव करेंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। एंड दोस्तों, अगर अभी भी आपको मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।